हेलो दोस्तों, आज जो हमारे पास आया है अप्रिला, इसका जो प्रॉब्लम है कि इसका बैटरी चार्ज नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग सब चीज़ चेक कर चुके हैं, आप लोग को एक बार दिखा लेते हैं किस तरह से इसका बैटरी चार्ज नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, आपको सभी जानकारी यहाँ पर देते हैं आप लोग को। जैसा कि देख सकते हैं, हमने पूरा इसका खोल के सब कुछ चेक कर लिया है, आप लोग को बताते हैं इसमें क्या परेशानी है। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर बैटरी लगा लिया है। अब आप लोग को दिखाते हैं इसका बैटरी का चार्ज कितना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ पर पूरा दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अब हमारे गाड़ी को जो है स्टार्ट करेंगे। गाड़ी देख सकते हैं हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसका जो हम लोग वोल्टेज नापेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो है इसका वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है, उल्टा कम हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी पूरा आप आवाज़ सुन सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं सारे कनेक्शन जो है यहाँ पर ठीक ठाक से लगे हुए हैं। तो आप लोग को हम बताते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ये दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं रेगुलेटर है, और ये रेगुलेटर और आर्मेचर का कनेक्शन है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है हम लोग दोस्तों आर्मेचर का कनेक्शन चेक करेंगे, आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से आर्मेचर का कनेक्शन चेक करना है। सबसे पहले हम लोग गाड़ी बंद कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप तीन वायर देख रहे हैं, यहाँ पर येलो कलर का, ये जो आर्मेचर का मेन जो करंट जनरेट करता है वो वाला तार है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का जो साउंड करने वाला है उसमें सेट करके, इस तरह से एक दूसरे में हम लोग शॉर्ट करेंगे इसको। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने एक कनेक्शन कर लिया और एक कनेक्शन यहाँ पर टच करेंगे। तो यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हैं कोई रिस्पांस नहीं है, दूसरे वाले में भी कोई रिस्पांस नहीं है, यहाँ पर अर्थिंग देने के बाद भी यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं है। जबकि दोस्तों एक दूसरे में यहाँ पर शॉर्ट करने से ये करंट बताता, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता। तो हम दूसरा में भी लगा कर देखते हैं। यहाँ पर बीच वाला में हमने लगा लिया, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर आर्थिंग में देने से यहाँ पर एक आर्मेचर का जो है दोस्तों इस तरह से दिखा रहा है। ये जो आर्मेचर दोस्तों तीन पोल वाला आर्मेचर है, जिसमें एक पोल में करंट दिखा रहा है और दो पोल में नहीं दिखा रहा है। इस तरह से यहाँ पर चल गया। यहाँ पर आर्थिंग देने से आप देख सकते हैं कोई शॉर्टिंग नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर करंट का कहानी नहीं है। अब यहाँ पर फिर दोबारा देख सकते हैं, और जैसे ही हम लोग बीच वाला वायर में जोड़ते हैं और इसको आर्थिंग देते हैं, तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाता है, यहाँ पर करंट आता है। इसका मतलब जो है इसका दो पोल जल चुका है और एक पोल ठीक है, तो इसके वजह से बैटरी हमारा चार्ज नहीं ले रहा है। अब इसका हम लोग आर्मेचर निकाल कर आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो है आर्मेचर खोलने के लिए इसका साइलेंसर हटा लिया है। यहाँ पर फैन का जो कवर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सब जो हटा लिया है। अब जो इसका फैन हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पर ये चैम्बर जो है पूरा निकलेगा बाहर, उसके लिए दोस्तों ये सबको पूरा हटाना पड़ेगा। इसका जो है इग्निशन कॉइल भी हटाना पड़ेगा। आप लोग को खोल के दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका जो हमने मैग्नेट कवर खोल लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरह से टूट टाट चुका है। इसके वायरिंग को यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हटाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को पूरी तरह से खोल के दिखाते हैं इसका क्या हालत हो गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो है हम लोग मैग्नेट खोल लिया है और यहाँ पर आप मैग्नेट कॉइल का जो है स्थिति देख सकते हैं कैसा हो गया है। यहाँ पर तीन पोल रहता है, जो दो पोल यहाँ पर टूटा हुआ है जो हमारा था इसी कारण से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो नट लगा हुआ था इसमें यहाँ पर थ्रेड यहाँ पर ख़राब होकर इस तरह का स्क्रू डाला हुआ था इसके अंदर, जिसकी वजह से ये खुल के टूट के यहाँ पर इस तरह का परेशानी हो गया। इसका जो है दोस्तों, इसका पूरा आर्मेचर सेट बदलना पड़ेगा और यहाँ पर इसका थ्रेड भी बनवाना पड़ेगा ताकि फिर से ये परेशानी ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।